तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं स्वीट ब्रेड। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाने वाली डिश है। और कभी भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। और आपको इस रेसिपी में ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये झटपट से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं स्वीट ब्रेड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है माही और मेरी यूट्यूब चैनल माही इंडियन फूडीज में आपका स्वागत है। स्वीट ब्रेड बनाने के लिए आपको एक भारी तले का बर्तन लेना है। फिर हम उसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी। जिस कटोरी से आप चीनी डालें उसी कटोरी से आपको पानी डालना है। मैं इसमें दो कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो अब इसे हमें एक चम्मच की मदद से चला देना है। फ्रेंड्स अगर आपके पास इलायची हो तो आप इसमें इलायची ज़रूर डालिएगा। मेरे पास इस टाइम इलायची नहीं थी तो मैं इसमें इलायची नहीं डाल पाई हूँ। इलायची डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे चेक करना है कि ये हमारी आधे तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो आपको इस तरीके से हाथ पे लेना है और इस तरीके से करना है। तो ये देखिए तार बन रहा है और तुरंत ही टूट जाता है। वैसे हम चाशनी बनाते हैं तो उसका एकदम परफेक्ट तार बनकर तैयार होता है। तो अब हमें लेना है एक कढ़ाई में तेल और लेना है ब्रेड। ब्रेड आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं लेकिन मैंने छोटे साइज़ का ब्रेड लिया है। छोटे साइज़ के ब्रेड लेने से क्या होता है कि कभी कभी किसी को मीठा कम पसंद होता है तो वो पूरा एक बड़ा ब्रेड ले लेता है और वो उसको खा नहीं पाता है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने छोटा ब्रेड लिया है जो कि आसानी से इसको कोई भी खा सकता है। अब हम ऑयल में अपने ब्रेड को डाल देते हैं। आप एक बार में 4 से 5 ब्रेड डाल सकते हैं। आपको गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है, इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखना है क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम कर देते हैं तो जो हमारे ब्रेड हैं वो जल सकते हैं। इसलिए आप गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिए। अब इसको हम पलट के देख लेते हैं। ये देखिए आप गोल्डन ब्राउन हो गए हैं एक तरफ से हमारे। अब इसको हम सारे ब्रेड को एक एक करके पलट देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम फटाफट से अलग निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने चाशनी बनाकर तैयार की थी उसमें अपने ब्रेड को डिप कर देना है। आप ब्रेड को डालिए और चम्मच की मदद से उसको पलटिए और उसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी डाल दीजिए। बस अब इसको आराम से बाहर निकालिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे स्वीट ब्रेड बनकर तैयार हो गए हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल माही इंडियन फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।